नमस्कार साथियों, हिंदी नाट्यशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस का उत्तरकांड। उत्तरकांड से संबंधित और भी वीडियो मैंने इस चैनल पे अपलोड किए हैं, उन सभी को क्रमबद्ध रूप से मैंने प्लेलिस्ट में लगा दिया है। पूर्व की कथा का हमारा प्रसंग था कि किस प्रकार जब गरुड़ जी के मन में राम जी को देखकर संदेह पैदा होता है, मानव रूप में जब भगवान राम लीला कर रहे हैं और नागपाश में बंध जाते हैं, तब गरुड़ उनकी सहायता के लिए जाते हैं और उनको संदेह होता है प्रभु को देखकर। इस संदेह का समाधान करने के लिए उन्हें काकभुषुंडी जी के पास भेजा जाता है। इसी क्रम में संक्षिप्त पूरी रामायण का सार काकभुषुंडी रामायण के नाम से विख्यात है, जो मैंने पिछली कक्षाओं में आपको पढ़कर सुनाया अर्थ सहित। अब आगामी प्रसंग में पुनः गरुड़ जी के मन के सभी संशय तो दूर हो गए, लेकिन काकभुषुंडी जी चाहते हैं कि लेश मात्र किंचित भी उनके मन में राम को लेकर भविष्य में कोई संदेह आए ही ना। इसलिए वो अन्य अन्य उदाहरणों द्वारा काकभुषुंडी जी गरुड़ जी को ज्ञान प्रदान करते हुए कहते हैं कि यद्यपि बच्चा पहले दुख पाता है, अधीर होकर रोता है, तो भी रोग के नाश के लिए माता बच्चे की उस पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनती, उसकी परवाह नहीं करती और फोड़े को चिरवा ही डालती है। अर्थात कहने का तात्पर्य कि गरुड़ जी के मन में संशय आया तो वो कहते हैं कि प्रभु की आप पर कृपा है कि आपके मन में संशय आया, इसी के माध्यम से प्रभु के सुंदर चरित्रों को सुनने का आपको ये सुअवसर मिला। आपके मन के संदेह को प्रभु समझ गए थे, दूर करना चाहते थे, इसीलिए आप यहाँ पर हैं। अब आगे कहते हैं, तिमि रघुपति निज दास कर हरहि मान हित लाग, तुलसीदास ऐसे प्रभु कस ना भजहु ब्रह्म त्याग, सिया पति राम जय जय राम। उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए ही हर लेते हैं। ऐसे प्रभु को त्याग कर, ऐसे प्रभु को क्यों नहीं भजते हो, भ्रम को त्याग कर, आपके मन के संशयों को त्याग कर ऐसे प्रभु का भजन क्यों नहीं करते हैं। राम कृपा अपनी जड़ताई, कहूँ खगेश सुनहूँ मन लाई, जब जब राम मनुज तन धरही, भगत हे तुलीला बहु करही। तो वो कहते हैं कि जब भी राम मानव शरीर धारण करते हैं तो अपने भक्तों के हित के लिए विभिन्न प्रकार की लीलाएं वो मानव रूप में करते हैं। आगे काकभुषुंडी जी कहते हैं, तब तब अवधपुरी में जाऊं, बाल चरित विलोक हरिशाऊं। काकभुषुंडी यानी कौवे के रूप में थे वो, थोड़ा सा सेट करते हैं, एक मिनट रुकिएगा। चलिए, तब तब अवधपुरी में जाऊं, बाल चरित विलोक हरिशाऊं, जन्म महोत्सव देखूं जाए, बरस पांच तह रहूं लो भाई। वो कहते हैं कि तब तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूं और उनकी बाल लीला को देखकर हर्षित होता हूँ। वहाँ जाकर मैं जन्म महोत्सव देखता हूँ और लुभा कर 5 वर्ष तक वहीं रहता हूँ। इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा बपुष कोटि सतकामा। बालक रूप श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनके शरीर में अरवों कामदेवों की शोभा है। निज प्रभु वदने निहारी निहारी, लोचन सुफल करहूँ उर्गारी। हे गरुड़ जी, उर्गारी ने हे गरुड़ जी, अपने प्रभु का मुख देखकर मैं बार बार नेत्रों को सफल करता हूँ। हमारे नेत्रों के होने की सफलता क्या है कि हम प्रभु के दर्शनों का लाभ ले सकें, या तो फिर हम सूरदास जैसे बड़े भक्त हो जाएं, है ना, बड़े भक्त हो जाएं कि प्रभु को बंद आँखों से देख पाएं, लेकिन हमें नेत्र मिले तो इनका क्या लाभ है कि हम प्रभु के सुंदर चरित्रों को पढ़ सकते हैं, प्रभु के सुंदर चरित्रों के अनुसार उनके चित्र अपने मन में समझकर देखकर बना सकते हैं, प्रभु के मंदिर में जाकर उनके विग्रह रूप के दर्शन कर सकते हैं।
लघुवायस बपु धरि हरि संगा देखहु बाल चरित बहुरंगा। छोटे से कौवे का शरीर धर कर और भगवान के साथ साथ फिर कर मैं उनके भांति भांति के बाल चरित्रों को देखा करता हूँ। लड़काई जह जह फिरी तह तह संग उड़ाऊं, झूठन पर ही अजर मह सो उठाए कर खाऊं। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम। लड़कपन में जहाँ जहाँ मेरे प्रभु फिरते हैं वहाँ वहाँ मैं उनके साथ उड़ता हूँ और उनके आंगन में जो झूठन पड़ती है, अजर याने आंगन दिया यहाँ पर, उनके आंगन में जहाँ जहाँ झूठन पड़ती है वही उठाकर खाता हूँ। एक बार अतिशय सब चरित किए रघुवीर, सुमृत लीला प्रभु सोए पुलकित भयो शरीर। सियापति राम जय जय राम। एक बार श्री रघुवीर जी ने सब चरित्र बहुत अधिकता से किए, प्रभु की उस लीला का स्मरण करते ही काकभुशुंडी जी का शरीर पुलकित हो गया। ऐसे होते हैं भक्त, अपने प्रभु की लीलाओं का, सुंदर चरित्रों का जैसे ही ध्यान आता है उनका शरीर पुलकित हो जाता है, रोमावली एकदम से मतलब एक ना जागृत सी हो जाती है। आपने कई बार देखा होगा कि जब भी हम कथा सत्संगों में जाते हैं या सुनते हैं तो बहुत से लोग तो सुनते रहते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका प्रभु का चरित्र सुनकर देखते हैं ना भाव विहल हो जाते हैं, नेत्रों से उनके अश्रु बहने लगते हैं, है ना। तो उसी तरीके से क्योंकि वो सच्चे भक्त होते हैं, उनके जो भी जैसे अब मानव शरीर है गृहस्थ जीवन है लेकिन वो प्रभु के चरित्र सुनकर मग्न हो जाते हैं। कहिए भूषण्ड सुनहु खग नायक रामचरित सेवक सुखदायक। भूषण्ड जी कहने लगे हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला है। नृप मंदिर सुंदर सब भांति खचित कनक मणि नाना जाति। राजमहल सब प्रकार के सुंदर हैं, सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। फिर वर्णी न जाए रचिर अंगनाई जहाँ खेल है नित चारों भाई। सुंदर आंगन का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता जहाँ चारों भाई नित्य खेलते हैं। वाल विनोद करते रघुराई विचरत अजर जनने सुखदाई। माता को सुख देने वाले वाल विनोद करते हुए श्री रघुनाथ जी आंगन में विचरण कर रहे हैं। मरकत मृदुल कलेवर श्यामा अंग अंग प्रति छवि बहुकामा। मरकत मणि के समान हरिताप श्याम और कोमल, श्याम और मरकत मृदुल है ना, हरिताप मरकत मणि कैसी होती है हरे रंग की, हरिताप मतलब हरे रंग की आभा को लिए हुए श्याम है ना, हल्की सी श्याम उसमें हो जाती है, कोमल शरीर है ना, गहरा हरा हो तो हल्का हल्का सब मतलब कालापन उसमें आता है ना, श्याम शरीर है, सलोना शरीर है, कोमल शरीर है। अंग अंग में बहुत से कामदेवों की शोभा छाई हुई है। नवराजी वे अरुण मृदु चरना पदज रुचिर नख ससी दुति हरना। नवीन कमल के समान लाल लाल कोमल चरण है, सुंदर उंगलियां हैं और नख अपनी ज्योति से चंद्रमा की कांति को हरने वाले हैं। ललित अंक कुल सादिक चारी नुपुर चारु मधुर रविकारी। तलवे में वज्रादि वज्र अंकुश ध्वजा कमल के चार सुंदर चिन्ह हैं। चारु पुरटे मन रचरे बनाई कट किंकनि कलम मुखुर सुहाई। चार चिन्ह प्रभु के तलवे में कौन से हैं, देखिए ज्योतिष शास्त्र के भी ज्ञाता हैं तुलसीदास, इन्होंने रामाज्ञा प्रश्नावली लिखी है तो उसमें ये क्या क्या बता रहे हैं, वज्र अंकुश ध्वजा और कमल ये प्रभु के तलवों के में निवास करते हैं। चरणों में मधुर शब्द करने वाले सुंदर नुपुर हैं। मणियों और रत्नों से जड़ी हुई सोने से बनी हुई सुंदर कर्दनी का शब्द सुहावना लग रहा है, प्रभु के बाल चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। अब ये सब वर्णन हम बाल कांड जो है इनका आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में लगा हुआ है, बाल कांड में हम ये सब पढ़ चुके हैं, और भी परीक्षाओं के सिलेबस में लगा हुआ है, वैसे भी घर में पाठ होता है तब देखते हैं, बाल कांड में पढ़ चुके हैं। इसीलिए बहुत से लोगों का मानना है कि उत्तरकांड प्रक्षिप्त अंश है जिसको बाद में तुलसीदास ने जोड़ा है, क्योंकि इसमें उन्हीं कथाओं का पुनः पुनः वर्णन है, एक एक ही कथा का बार बार वर्णन है। इसको अनेक थोड़े बहुत शब्दों के हेरफेर के साथ बालकांड में हम पढ़ चुके हैं।
आप लोग यदि श्रद्धा भाव से इस पाठ को सुन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अर्थ सहित इसको मैं आपको सुना रही हूँ। तो कृपया करके आपके जो फैमिली ग्रुप हैं, जहाँ पर भी आपके सोशल मीडिया ग्रुप हैं, तो आप वहाँ पर इनको शेयर करें। प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से अगर पढ़ रहे हैं तो नेट परीक्षा के सिलेबस में और यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेबस के अलावा बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं के सिलेबस में यह निर्धारित है। तो कृपया करके आपके सिलेबस की जो अन्य उपन्यास, नाटक, निबंध, कहानी इत्यादि हैं, उनको भी आप जो है चैनल की प्लेलिस्ट से अवश्य पढ़ें। आपके बात करूँ हिंदी नेटशाला चैनल के, तो इसमें आपके उपन्यास, आपके प्रैक्टिस सेट, नेट के पुराने पेपर, इसके अलावा इस समय जो सर्व प्रख्यात बुक है आपकी टेस्ट प्रैक्टिस बुक या टेस्ट सीरीज आप कर लीजिए अध्यायवार, मैं इस पर आपको करवा रही हूँ। रामचंद्र शुक्ल की बुक हो, सरस्वती पांडे की बुक हो, सरल इतिहास हो, कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ प्लेलिस्ट में है। इसके अलावा हिंदी बुकशाला चैनल पर, मैं आपको जो आगामी, जैसे आपके उपन्यास इस वाले चैनल पे गोदान और आपका बंटी मिलेगा, इसके अलावा आपके जितने भी उपन्यास हैं, जितने भी नाटक हैं, जितनी भी रचनाएं हैं, यानी किताबें जो हैं, उसके लिए अलग से ही चैनल मुझे लगा कि ज़रूरत है, वो मैंने हिंदी बुकशाला नाम से बना दिया है। तो कृपया करके अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हैं तो हिंदी नेटशाला और हिंदी बुकशाला दोनों चैनल आपके लिए हैं, तो कृपया करके दोनों चैनल्स को प्लेलिस्ट चेक करें। कहना अच्छा ना लगते हुए भी कहना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल देखते हैं, कोई वीडियो देखा और देख के चले जाते हैं। देखिए, आप चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिए। आप पहली बार चैनल पे हैं तो प्लेलिस्ट चेक करिए दोनों चैनल की, है ना। दूसरे चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। अच्छा लग रहा है, लग रहा है कि काम की सामग्री है, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप संतुष्ट हैं। तो यही कहना था, आगे बढ़ाते हैं कथा को। रेखा त्रय सुंदर उदर नाभि रुचिर गंभीर, उर आयत भ्राजत विविध बाल विभूषण, चीर सिया पति राम जय जय राम। उदर पर तीन सुंदर रेखाएं हैं, त्रिवली है, नाभि सुंदर और गहरी है, विशाल वक्षस्थल पर अनेकों प्रकार के बच्चों के आभूषण और वस्त्र सुशोभित हैं। अरुण पानि नख करज मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। एक सेकंड रुकिएगा बेटा, 3-4 मिनट बाद नीचे से मेरा नया वाला फोन दे जाना। अभी नहीं, जब मैं ये कंप्लीट कर लूँ तब। अभी नहीं, अभी मत लाना, अभी चार्जिंग नहीं है उसमें, चार्ज होने दो। उधर पर सुंदर तीन, ये तो पढ़ लिया हमने। अरुण पानी नख करज मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। लाल लाल हथेलियां, नख और उंगलियां मन को हरने वाले हैं, विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण है, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। कंध बाल के हरि दर ग्रीवा, चारुचिबुक आनन छवि सीवा। बाल सिंह, सिंह के बच्चे के से कंधे और शंख के समान गला है, सुंदर ठुड्डी है और मुक्त छवि की सीमा ही नहीं है। गला कैसा है? शंख के समान, कंबू के समान, बहुत सुंदर। भगवान के बाल स्वरूप का यहाँ दर्शन करवा रहे हैं तुलसीदास जी। भले ही आपने नहीं देखा हो, लेकिन तुलसी बाबा ने इतना सुंदर वर्णन किया है कि आप अगर इसे पढ़ रहे हैं, महसूस करें, तो आप राम के अद्भुत बाल स्वरूप में खोसे जाते हैं। कलबल वचन अधर अरुणारे, दुई दुई दसन बसद बरवारे। कलबल तोतले वचन है, लाल लाल ओठ है, उज्जवल सुंदर और छोटी, दो दो दंतुलिया हैं, ये भी दो ही दांत आए हैं। ललित कपोल मनोहर नासा, सकल सुखद शशि कर समहासा। सुंदर गाल, मनोहर नासिका और सब सुखों को देने वाली चंद्रमा की किरणों के समान मधुर मुस्कान है, सकल सुखद शशिकर सम हासा।
नीलकांजलो चन भव मोचन भ्राजत भाल तिलक गोरोचन। नील कमल के समान नेत्र जन्म मृत्यु को छुड़ाने वाले हैं, भव मोचन जन्म और मृत्यु के बंधन को छुड़ाने वाले हैं। ललाट पर गोरोचन का तिलक सुशोभित है। विकट भ्रकुटि सम श्रवण सुहाए कुंचित कच में चक छवि छाए। भौहें टेढ़ी हैं, कान सम और सुंदर हैं, काले और घुंघराले केशों की छवि छा रही है। पीत जीनि झगुली तन सोही किलकन चितवन भावती मोही। पीली और महीन झुंगली शरीर पर शोभा दे रही है, उनकी किलकारी और चितवन मुझे बहुत ही प्रिय लगती हैं। रूपी रासिन पे अजर बिहारी नाचहिं निज प्रतिबिंब निहारी। राजा दशरथ के आंगन में विहार करने वाले रूप की राशि श्री रामचंद्र जी दर्पण में अपना ही परछाई, सॉरी दर्पण में नहीं बल्कि अपनी परछाई, प्रतिबिंब अपनी परछाई देखकर नाचते हैं। मोहि सन करहिं विविधि विधि क्रीड़ा वरनत मोहे होती अति व्रीड़ा। मुझसे बहुत प्रकार के खेल करते हैं, क्योंकि कौवे के रूप में ये उड़ते हैं, इनको पकड़ते हैं, इनके साथ खेलते हैं, ये उनके हाथ से रोटी तक छीन के ले जाते हैं काग भुसुंडी जी। तो कहते हैं कि वो बहुत प्रकार से मुझसे खेलते हैं, जिन चरित्रों का वर्णन करते हुए मुझे लज्जा आती है। किलकत मोहि धरन जब धावहीं चलहु भागी तब पूप दिखावहीं। पूप यानी पुआ, किलकारी मारते हुए जब मुझे पकड़ने दौड़ते और मैं भाग चलता तब मुझे पुआ दिखलाते थे, यानी पुआ का लालच दे के। दो दो दांती हैं, दो सुंदर सा रूप उनकी माँ ने उनको बनाया हुआ, दो दो उनके दांत हैं, और कौवे को देख के उसे पकड़ने के लिए भाग रहे हैं, और कौवा जब भागता है तो उसे पुआ दिखाते हैं और अपने पास बुलाते हैं। आवते निकट हसई प्रभु भाजत रुदन कराही जाऊं समीप गहन पद फिर चिताही पराई सिया पति राम जय जय राम। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर रोते हैं, और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूँ तब वे पीछे फिर कर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं। प्राकृत शिशु इव लीला देख भय मोहि मोह कवन चरित करत प्रभु चिदानंद संदेह सिया पति राम राजा राम। साधारण बच्चों जैसी लीला देखकर मुझे मोह हुआ, शंका हुई कि सच्चिदानंद घन प्रभु यह कौन है, ये कौन है जो चरित्र कर रहा है, लीला कर रहा है। अब काक भुसुंडी जी गरुड़ जी को बता रहे हैं कि तुम पहले नहीं हो जिन्हें प्रभु पर शक हुआ है। अरे तुम मुझे भी प्रभु के उस पर उनकी बाल लीलाओं को देखकर शक हो गया था। क्योंकि देखिए यहाँ ये प्रसंग जानना है कि दशरथ और कौशल्या ने अपने पूर्व जन्म में तपस्या करके इनको पुत्र के रूप में मांगा विष्णु भगवान को, ये आए, लेकिन विष्णु भगवान के रूप में आए बच्चा बन के। तो कौशल्या माता ने कहा कि भाई हमें आपको विष्णु के रूप में पूजना होता तो पूजा ही कर लेते, हमारे घर में तो बच्चा बन के आइए। तो बोले मैं आ तो गया, आ तो गए हो लेकिन बच्चा बन के आओ। तो वहाँ पर प्रसंग आता ना कि जे शिशु लीला अति प्रिय शीर ना, है ना, माता पुन डोली सो मत डोली तजहु तात यह रूपा। कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह जो परमे अनूपा। तो कौशल्या उनसे ऐसी प्रार्थना करती हैं, तब वो अपने बाल रूप में आते हैं। अब जब मानव के रूप में उन्होंने अपना जो जन्म स्वीकार किया है, अवतार लिया, तो सभी लीलाएं मानव के अनुकूल हैं। वो यहाँ पर अपने कार्य करने के लिए हनुमान से सहायता लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो मानव रूप में, अब ऐसा थोड़ी है, अरे वो समस्त ब्रह्मांड का स्वामी है, उसको अपने कार्य करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो लीला कौन सी कर रहे हैं, मानव लीला कर रहे हैं, तो उनके जो आचरण हैं, जो कर्म हैं, जो क्रियाकलाप हैं, वो मानव स्वभाव के अनुरूप हैं। और इसी को देखकर उनके भक्तों को संदेह होता है, जैसे कि कुछ
अल्पमति लोग अब भी तो प्रसंग उठाते हैं कि बानरों की सहायता ली, खुद ही कर लेता है वो, क्या वो अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया, ऐसे कुतर्की लोग हैं। वो ये ही भूल जाते हैं कि वो रूप में किस में, मनुज रूप में है ना, तो मानवों जैसी क्रिया करेंगे। मानवों अपने भक्तों को सुख देने के लिए, और इस जो मानव जाति है उसको ये संदेश देने के लिए कि आप मनुष्य रूप में कमतर नहीं हो, कमजोर नहीं हो, सर्वसमर्थ हो, सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, यह विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने मानव लीला की है। ऐसा ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इतना मन आनत खग राया, रघुपत प्रेरित व्यापी माया। बड़े दुखी होकर कह रहे हैं, हे पक्षीराज, मन में इतनी शंका लाते ही रघुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई। सो माया ना दुखद मोहि काही, आन जीव इव संस्कृत नाही। परंतु वह माया ना तो मुझे दुख देने वाली हुई, ना दूसरे जीवों की भांति संसार में डालने वाली हुई, क्योंकि ये प्रभु के इतने अखंड भक्त हैं कि इन पर माया का प्रभाव नहीं है। नात इहा कछु कारण आना, सुन ही सो सावधान हरि जाना। हे नाथ, यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है। हे भगवान के वाहन गुरुड़ जी, उसे सावधान होकर सुनिए। ज्ञान अखंड एक सीतावर, माया वश्य जीव सचराचर। एक सीतापति श्री राम जी ही अखंड ज्ञान स्वरूप हैं, और जड़ चेतन सभी जीव माया के वश हैं। सो राम जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जी वही भेद करहूं कस। यदि जीवों को एक रस अखंड ज्ञान रहे तो कहिए फिर ईश्वर और जीव में भेद ही कैसा। माया वश्य जीव अभिमानी, ईश्वर माया गुण खानी। वो कह रहे हैं कि अभिमानी जीव माया के वश है, और वह तीनों गुणों की खान माया ईश्वर के वश में है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देखिए, जीव किसके वश में है? माया के। और माया किसके वश में है? ईश्वर के। तो जो ईश्वर का भक्त है उसे ये माया नहीं व्याप्ती है। पर बस जीव स्वस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। जीव स्वतंत्र है, भगवान स्वतंत्र हैं। जीव अनेक हैं, श्रीपति भगवान एक हैं। मुधा भेद यद्यपि कृत माया, बिनु हरि जाए न कोटि अपाया। यद्यपि माया का किया हुआ ये भेद असत है, तथापि वे भगवान के भजन के बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता। रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिन पूछ विशान। सिया पति राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी के भजन के बिना जो मोक्ष पर चाहता है, वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूछ और सींग का पशु ही है। पूछ विशान, बिना पूछ और सींग का पशु ही है, जो ये सोच रहा है कि भगवान का भजन करे बिना ये मोक्ष मिल जाएगा। रा का पति सोड़ से अही तारा गण समुदाय, सकल गिरिन दबला आई भिनु रवि रात न जाए। सभी तारागणों के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो, और जितने पर्वत हैं उन सब में दावाग्नि लगा दी जाए, तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि नहीं जा सकती। समझ गए आप? जो जिसका कार्य है वो उसी को करेगा। सूर्यवंशी कौन है? रघुनाथ। वो कह रहे हैं चाहे सारे जंगलों में आग लगा दो, क्योंकि उससे भी तो रोशनी होगी। चाहे 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो जाए, चाहे सारे ब्रह्मांड के तारे एक साथ चमचमाने लग जाएं, लेकिन बिना सूर्य उदय के रोशनी नहीं, रात्रि नहीं जाएगी। ऐसे ही ये जो अंधकार रूपी रात्रि है ना, अज्ञान रूपी अंधकार, अज्ञान रूपी जो रात्रि है, इसको दूर करने के लिए भगवान के भजन रूपी सूर्य का साथ हमें करना चाहिए। अब यहाँ तुलसीदास के इष्ट हैं कौन? भगवान राम। तो वो इसको राम के रूप में चित्रित कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि राम भगवान ही। देखिए, ईश्वर तो एक है, उसके अलग अलग रूपों की हम वंदना करते हैं। तो आपके जो इष्ट देव हैं, आप अगर उन पर, आप अगर अपने इष्ट देव पर श्रद्धा रखते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, तो वही आपके अज्ञान को नाश कर देंगे, क्योंकि सब रूपों में है तो वही चराचर का स्वामी। तो बस आपको वही करना है। आशा करती हूँ कि मैंने ये जो रामचरितमानस का पाठ आपको सुनाया, यह आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में
आप अपनी राय ज़रूर लिखें। ठीक है, मिलती हूँ आपसे हिंदी बुकशाला चैनल पर जैनेन्द्र के उपन्यास त्यागपत्र और अन्य रचनाओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। पहली बार हैं तो प्लेलिस्ट से इसके पूर्व का आनंद ले लीजिएगा और अन्य रचनाएं भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। पुनः पुनः राम राम सा, बहुत बहुत धन्यवाद।